नमस्कार, हूँ आदर्श छू। वेलकम टू आदर्श एजुकेशन सोसाइटी। हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। स्टैंडर्ड 3, सब्जेक्ट इंग्लिश ग्रामर, चैप्टर नंबर 21, एडवर्ब्स, राइट। सो इन द जूम क्लास वी हैड कंप्लीटेड दिस चैप्टर, राइट। टुडे वी विल गोइंग टू लर्न चैप्टर नंबर 21, एडवर्ब्स। Here you can see that one box is given. In the box, grammar and posture are there. First line, grammar is preparing for her mountain biking race. There are 6 clouds in the picture. In the first cloud, when is your race, grammar? Grammar replied, it will happen tomorrow post. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ विल यू राइड योर बाइक, कैसे अपनी तो बाइक चलाएगा? आई विल राइड फास्ट बट केयरफुल। वेयर विल इट हैपन, इन द प्लेग्राउंड? नो, इट विल हैपन हियर पोस्ट, इट इज माउंटेन बाइकिंग। माउंटेन बाइकिंग है इसलिए माउंटेन में ही उसकी रेस होगी, प्लेग्राउंड में नहीं होगी। नेक्स्ट वन, नंबर 1 इन द रेड राउंड येलो बॉक्स, वी यूज एडवर्ब्स टू शेयर समथिंग मोर अबाउट वर्ब्स। एडवर्ब का यूज वर्ब के बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन देने के लिए है, राइट। नेक्स्ट वन, इन दिस यूनिट, हम क्या करते हैं? इन दिस चैप्टर वी विल लर्न अबाउट 3 काइंड्स ऑफ एडवर्ब्स। फर्स्ट वन, हाउ एडवर्ब। सेकंड वन, when adverb, and third one have where adverb, right? Easy to remember in the purple box. Adverbs add information about the verb. Add plus verb is equal to adverb. Verb के बारे में जो ज्यादा information देता है उसे हम क्या कहते हैं? Adverb. In the yellow box, फिर से yellow box दिया गया है, उसमें क्या लिखा है? Remember, you already know that an adjective tells us something more about a noun. Adjective हमें कहते थे noun के बारे में, ज्यादा information अगर noun के बारे में हो तो वो कौन देता था? Adjective, right? Here you can see that the examples, red cap. Cap कैसी थी? Red. So red is adjective, right? Black, बोर्ड, बोर्ड कैसा था? ब्लैक। सो ब्लैक इज एडजेक्टिव, डन। सो हियर इन दिस चैप्टर इन दिस सेम वे एन एडवर्ब टेल्स अस समथिंग मोर अबाउट अ वर्ब। जैसे एडजेक्टिव नाउन के बारे में बताते हैं, वैसे ही हमारा चैप्टर क्या है? एडवर्ब वर्ब के बारे में बताते हैं, राइट। नाउ नेक्स्ट, turn the page on the page number 78. How adverbs. First one topic diya gaya hai, how adverbs. Number 2, in the red round, here you can see that 3 adverbs, right. First one kaunsa hai? How adverb. Some adverbs describe how an action is done. Kaise action complete hogi? Iske baare mein hame batate hai. Look at these sentences. Noun, monkeys. Verb, chatter. Next example, tortoise is noun and crawl is verb. Now we add adverb to them. अब हम उसमें adverb को add करेंगे. Monkeys chatter noisily. कैसे chatter कर रहे थे monkeys? कैसे आवाज निकाल रहे थे? Noisily मतलब जोर जोर से आवाज करते हुए। टॉर्टोइज क्रॉल स्लोली, टॉर्टोइज कैसे क्रॉल कर रहे थे? स्लोली स्लोली, धीमे धीमे, राइट। हाउ डू द मंकीज चैटर, अगर आप इस सेंटेंस को ऐसे क्वेश्चन बनाओ ना, हाउ डू द मंकीज चैटर, सो द आंसर इज नोइजली। सो द वर्ड नोइजली इज एडवर्ब, ओके। नेक्स्ट वन, how do the tortoise crawl? The answer is slowly. So, slowly is adverb.
Okay. Now number two. When adverb. Some adverbs tell us when an action is done. Some adverbs tell us when an action is done. Action कब complete होगी? Time बताएगा. हमने lesson कब किया? कल. तो कोई day बताएगा. Right? Look at these sentences. Riya danced. Riya dance कर रही थी. They swim. वो तैर रहे थे. Now we add adverb to them. अब हम उसमें adverb को add करेंगे. Riya danced yesterday. रिया कल डांस कर रही थी. दे स्विम एवरी डे. वे हर रोज स्विम कर रहे हैं, करते हैं. व्हेन डिड रिया डांस? क्वेश्चन पूछा गया. रिया कब डांस कर रही थी? यस्टरडे. सो यस्टरडे इज एडवर्ब. व्हेन डू दे स्विम? एवरी डे. सो द आंसर एवरी डे इज अ एडवर्ब. राइट. Now, number three, where adverb. Third वाला कौन सा है? Where. Where means कहाँ, कोई place बताई गई होगी. Some adverbs describe when an action takes place. बोला था ना मैंने, right? Look at these sentences. The children are playing. Mother is sitting. Now, we add adverbs to them. The children are playing outside. Where are the children playing? कहाँ खेल रहे थे वो लोग? Outside, बाहर. Mother is sitting. मम्मी बैठी थी. Sorry, मम्मी बैठी है. Upstairs. Where is mother sitting? मम्मी कहाँ पे बैठी है? Upstairs, यानी ऊपर. Okay. So here the answer outside and upstairs. Is the where adverb. Done? So here you can see that our information and my explanation had completed. So we will going to learn exercise A. I think Zoom class में जितने joint होते हैं उसकी exercise तो complete हो ही गई होगी, right? So exercise A. Circle the correct adverb for each sentences. रेहान क्रॉस्ड द रोड ब्लैंक. रेहान रोड क्रॉस कैसे करेगा? केयरफुली और नियर बाय. यस, सो केयरफुली के ऊपर हम सर्कल करेंगे, बट हम क्या करते हैं? अंडरलाइन. डन. नंबर टू. द लेडी ऑफर्ड मी अ चेयर एंड आस्क्ड मी टू सिट ब्लैंक. कोई आपको चेयर ऑफर करता है, राइट? तो आपको क्या बोलेगा? सिट डाउन या सिट इन? यस. So the answer is down. Sit down. Okay. Now complete your exercise A in Zoom class or in answer key. दो sentence मैंने आपको करवाए. अभी आपको answer exercise A या तो फिर Zoom class में मैडम कराते हैं उसमें से complete करनी है, या तो फिर chapter complete होगा उसके बाद उसकी answer key आएगी उसमें complete करनी है, right? Now read the story, underline the how adverbs and circle the verbs that they describe. Exercise B. And also, exercise B भी आपको उसी तरह से करनी है. मैडम ने Zoom meeting में पूरी की पूरी B exercise करवा दी है. आपकी हो गई है. Otherwise, आप answer की में से भी कर सकते हो. Right? Now, next exercise C. Choose the correct when adverbs from these sentences, right? Number one, I will go to watch a movie yesterday or tomorrow. Will I? Will. आपको आगे आ गया है chapter number 2020 future tense. Will आता है उसमें, right? Will means what? Future. तो future yesterday होता है कि tomorrow? Yes. The answer is tomorrow. तो हम टुमोरो के नीचे अंडरलाइन करेंगे. ओके. नंबर टू. माय सिस्टर वेक्स अप ब्लैंक इन द मॉर्निंग. सुबह मेरी सिस्टर कैसे उठती है? तुरंत उठ जाती है. सून और अर्ली. यस. सो द आंसर इज अर्ली. सेंटेंस नंबर थ्री, फोर एंड फाइव डन बाय योरसेल्फ. ओके.
Next one, exercise D. Complete these sentences by choosing the correct where adverbs. Where matlab place. Here you can see that one box is given, right? Away, upstairs, far, close, and outside. Done. Number one. I'm sorry. I can't come to meet you. Your house is very blank. मैं सॉरी बोलता हूँ मैं आपसे मिल नहीं सकता क्योंकि आपका घर बहुत ही yes, दूर है तो दूर है का इंग्लिश far. So the first answer is far. Number two, Winnie climbed blank and went to the terrace to fly her new toy helicopter. Winnie climbed blank. वो कहाँ पे चढ़ेगी? Went to the terrace. Terrace पे जाना. Fly her new toy helicopter. उसका जो नया खिलौना था ना हेलीकॉप्टर वो उड़ाने जा रही है तो कहाँ जाएगी? Outside, close, away, upstairs. Yes, the answer is upstairs. Done. So same, it is 3, 4, and 5 done by yourself. Number E. Look at these pictures. Fill in the blanks with the right adverb to describe the picture. Done. Here you can see that some clues are given in green box. Smartly, happily, clearly, fast, high, and quickly. Done. So number one, the players walked into the ground blank. The player आते हैं ground में. तो आपको पता होगा ऐसे पॉकेट में हाथ डाल के ऐसे ऐसे शोल्डर मिला के आते हैं राइट तो वो कैसे चलते हैं? यस स्मार्टली. अन्या किक्ड द बॉल ब्लैंक. हियर यू कैन सी दैट इन द पिक्चर. बॉल कहां पे है? ऊपर. सो द आंसर इज हाई. 3, 4, 5, and 6 रिमेनिंग पिक्चर सॉल्व बाय योर सेल्फ. Now exercise F, our next exercise. Underline all adverbs in this passage, then write them in the correct column. First of all, क्या करना है? सारे के सारे जो adverbs है उसको underline करनी है. उसके बाद अगर how adverb होगा तो उसमें हम लिखेंगे, when adverb होगा तो उसका answer उसमें लिखेंगे, and where adverb होगा तो उसके box में उसके answer लिखेंगे, right? मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल हमें एडवर्ब्स को फाइंड आउट करना है, आफ्टर दैट सबको डिवाइड कर देना है. ओके, सो ये एक्सरसाइज भी हम कहाँ करेंगे? ज़ूम मीटिंग में. ओके, अदरवाइज मैडम विल सेंड योर नोटबुक आंसर की, ग्रामर आंसर की, ग्रामर चैप्टर नंबर 21 की आंसर की मैडम आपको सेंड कर देंगे. डन. सो हियर यू कैन सी दैट our chapter number 21 adverbs had completed. Thank you for joining us.